गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज की ये वीडियो क्लास फाइव के स्टूडेंट्स के लिए है अब है हमारा बच्चे इंग्लिश ग्रामर की बुक का चैप्टर नंबर एटीन वोकेबलरी तो सबसे पहले है प्रीफिक्सेस एंड अब प्रीफिक्सेस क्या होते हैं प्रीफिक्सेस आर सेट्स ऑफ लेटर्स डेट आर एडिड टू द बिगनिंग ऑफ अनदर वर्ड टू फॉर्म अ न्यू वर्ड प्रीफिक्सेस एक ऐसे लेटर्स का सेट होता है जो कि किसी भी वर्ड के आ, पहले लगाया जाता है ताकि एक नया वर्ड जो है वो बन सके फॉर एग्जाम्पल जैसे लाइक लाइक से पहले अगर हम डिस लगा देंगे तो क्या बन जाएगा डिसलाइक तो डिस क्या है हमारा प्रीफिक्स है इसी तरह से रेगुलर अगर रेगुलर से पहले हम इर लगा देंगे तो बन जाएगा इर इसी तरह से काइंड काइंड के पहले हमने कौन सा प्रीफिक्स यूज़ किया अन तो क्या बन गया अनकाइंड अब है हमारी एक्सरसाइज ए fill in the blanks with the words formed by adding prefixes to the words given in the bracket bracket mein aapko word diya gaya hai uske sath hame prefix use karke ek naya word banana hai number 1 the honey was tasted and found to be impure. Pure के पहले हमने कहा कि कौन सा प्रीफिक्स यूज किया इम तो क्या बन गया इम्प्योर इसी तरह से आई डिसलाइक पीपल हु नेवर स्टॉप टॉकिंग number three cross the, sentence, uh, cross the sentences which are incorrect number four no, no one on this earth is immortal she often gives irrelevant informations the water of this well has become unfit for drinking number seven most of the people in this village are illiterate number eight he is so tired that he is unable to move वैदर वॉज अनप्लीजेंट लास्ट नाइट अब है बेटा स्विफिक्स अब स्विफिक्स क्या होता है एंड ऑफ अनादर वर्ड टू फॉर्म वर्ड. स्वीफिक्स एक ऐसा लेटर्स का सेट होता है जो कि किसी वर्ड के एंड में लगाया जाता है ताकि एक नया वर्ड जो है वो बन सके फॉर एग्जाम्पल टीच प्लस ई आर यानी कि क्या बन जाएगा टीचर तो हमारा कौन सा स्विफिक्स था ई er. आर इसी तरह से ब्राइट के साथ अगर हम नेस यूज़ करेंगे तो बन जाएगा ब्राइटनेस इसी तरह से हेल्प के साथ फुल तो बन जाएगा हेल्पफुल फियर के साथ लेस यूज करेंगे तो बन जाएगा फियरलेस अब है हमारी एक्सरसाइज बी फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स फॉर्म बाय एडिंग टू द द गिव टू वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट जो ब्रैकेट में हमें वर्ड्स दिए गए हैं इनके साथ हमें स्विफिक्स यूज करना है नंबर वन शी इज़ सिटिंग कम्फर्टेबली इन हर सीट हमें कौन सा वर्ड दिया गया था कम्फर्ट तो हमने उसके साथ एबली यूज किया तो बन गया कम्फर्टेबली नंबर टू ही वॉज एक्टिंग इन अ वेरी चाइल्डिश वे देयर वर ओनली अ हैंडफुल ऑफ पीपल एट द स्टेडियम नेक्स्ट पेज पर आएंगे आप नंबर फोर शी लुक्ड एट हर रिफ्लेक्शन इन द मिरर नंबर फाइव The show was so boring that people left before the end. The new comedian is very funny. I couldn't find any weakness in his theory. Our Coco team won championship this year. His arrival has been expected for the last half an hour. Abha Antonyms and synonyms. Antonyms are opposites. ये सारे आपके वर्ड्स ऑपोजिट हैं यानी कि एंटोनिम्स हैं ये आप अच्छे से लर्न करेंगे इसके बाद है सिनोनिम्स सिनोनिम इज़ अ वर्ड डेट द सेम मीनिंग एज अनदर इन द सेम लैंग्वेज यानी कि सिनोनिम का मतलब है समानार्थक यानी कि बिल्कुल सेम मीनिंग में तो ये जो वर्ड्स दिए गए हैं ये आप अच्छे से लर्न करेंगे अब है आपके एक्सरसाइज सी गिव एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन वर्ड्स के आपको एंटोनिम्स बताने हैं यानि कि ऑपोजिट्स बताने हैं नंबर वन जॉय ग्रीफ स्मूथ रफ लव हेट रेअर कॉमन ब्यूटिफुल अगली जेनिथ नडिर रिवार पनिश ओपन क्लोज गेन लॉस एंड सॉरी एंट्री एग्जिट गिव द सिनॉनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स अब है सिनॉनिम्स यानी कि सेम मीनिंग क्विक फास्ट टायर्ड वियरी एडमायर प्रेस पेन ग्रीफ काम क्वाइट बिगिन स्टार्ट ट्रस्ट फेथ ब्रेव करेजियस स्कोल्ड रिब्यूक जेनिथ टॉप वन वर्ड सब्सटीट्यूशन अब है आपका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन मतलब अनेक अर्थों के लिए एक शब्द आपने हिंदी में पढ़ा होगा तो उसको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन कहा जाता है इंग्लिश में ये है जैसे वन हु बिलीव इन गॉड डज नॉट बिलीव इन गॉड एथीस्ट वन हु इज फुल ऑफ हाई स्पिरिट एबुलेंट तो इसी तरह से ये जितने भी आपको ये फिफ्टीन दिए गए हैं ये आप अच्छे से लर्न करेंगे अब है आपकी एक्सरसाइज ई मैच द फॉलोइंग्स आपको ये मैच करने हैं नंबर वन वन सेल्स टी शुगर सोप एक्सेट्रा वो कौन है जो ये सेल uh, करता है उसे क्या कहा जाता है ग्रॉसर नंबर टू वन हु सर्व्स इन अ रेस्टोरेंट नंबर टू है वेटर नंबर थ्री वन हु लुक्स आफ्टर आवर तीथ डेंटिस्ट नंबर फोर वन हु डिलीवर्स लेटर्स पोस्टमैन नंबर फाइव वन हु सेल्स बुक पेन पेपर एक्सेट्रा मतलब स्टेशनर तो आज के लिए इतना ही नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे का चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगी, ध्यान से अंडरस्टैंड करेंगे और जो चीज़ें आपको लर्न करने के लिए बोली हैं जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स ये आप घर पे लर्न करेंगे थैंक यू